ये जो हमारा फ्लैजिला है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो सीलिया है वो खाली यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक्स में सीलिया की जगह फिम्ब्री और पेलाई नाम के दो टाइप्स के अदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सेल सरफेस पे। लेकिन अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में, फिर बात करेंगे यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सीलिया के बारे में। तो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो मोटाइल भी होती हैं, जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल्स है और ये एक बैक्टीरियल सेल्स है। ओके, तो ये मोटाइल भी होती हैं और नॉन मोटाइल भी होती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में बात कर रहे हैं तो जो बैक्टीरियल सेल्स होंगी उनमें फ्लैजिला निकला होगा। ओके, एक मोटाइल बैक्टीरिया होगा, एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होगा। होगा उसके बाद बात कर रहे थे कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा सेल से, सेल वॉल से, जिसे फ्लैजिला कहेंगे। जैसे कि अगर इसी को देखा जाए तो इसकी लाइनिंग को देखें तो इसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो होगी सेल वॉल। जब इसकी आउटर कवरिंग सेल वॉल होगी देन हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल के ऊपर से क्या, ये तो सीलिया हो गया, सेल वॉल के ऊपर से हमारा फ्लैजिला निकला होगा, फ्लैजिला निकला होगा। ओके, जब ये फ्लैजिला निकला होगा तो पहले तो मैं आपको बता दूँ मोटाइल और नॉन मोटाइल में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छा है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ मोटाइल और नॉन मोटाइल का में डिफरेंस क्या है। मोटाइल कहने का मतलब कि अगर बैक्टीरियल सेल रेस्ट पोजीशन पे है तो जो फ्लैजिला होगा वो मूवमेंट करेगा हमेशा। लेकिन अगर बैक्टीरियल, और नॉन मोटाइल कहने का मतलब है कि अगर बैक्टीरियल सेल मूवमेंट कर रहा है तभी उसका फ्लैजिला भी मूव करेगा, वरना फ्लैजिला भी रेस्ट पे रहेगा अगर बैक्टीरियल सेल रेस्ट पे है तो। ओके,